23 जून 2018 इन 13 बच्चों की जिंदगी के वो 18 दिन शुरू हुए जो ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये 13 बच्चे बेसिकली एक फुटबॉल की टीम थी जिनकी टीम का नाम वाइल्ड बोर्स था। इनमें 11 से लेकर 16 साल तक के बच्चे शामिल थे और एक कोच जिसकी एज 25 साल थी। 23 जून की सुबह इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम फुटबॉल का मैच खेलने के बाद एक केव जाएंगे, लेकिन वो केव बंद थी, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम थाम लुआंग केव जाएंगे और वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन इन बच्चों को ये नहीं पता था कि पीछे से एक तूफान आ रहा है जिसके बाद केव में पानी भर सकता है। ये बच्चे केव में चले तो गए, लेकिन वहां पे इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि केव में पानी भर गया और ये बच्चे 18 दिन तक उस केव में फंसे रहे। हैरत अंगेज तौर पे ये बच्चे 8 से 10 दिन तक कुछ भी खाए बगैर जिंदा रहे और सिर्फ केव में पड़े हुए पानी का इस्तेमाल किया। इन बच्चों को बचाने के लिए पूरी दुनिया की फोर्सेस से मदद मांग ली गई और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इन बच्चों को बिल आखिर वहां से निकाल लिया गया।